बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। मंगलवार को सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई। अब सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने बिहार पुलिस से केस से जुड़ी जानकारी शेयर की है। दरअसल जब बिहार पुलिस ने अंकिता से संपर्क किया तो उन्होंने कई बातें बताई। अंकिता ने बताया कि फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान सुशांत ने उन्हें विश करने के लिए मैसेज किया था। अंकिता के मुताबिक फिल्म के लिए बधाई देने के बाद दोनों की काफी बातचीत हुई थी। इसी दौरान सुशांत काफी भावुक हो गए और बताया कि वो रिया के साथ रिलेशनशिप में काफी परेशान हो चुके हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। सुशांत ने बताया था कि रिया उन्हें काफी परेशान कर रही हैं। अब बिहार पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। इस बीच अंकिता ने बुधवार को ट्वीट भी किया। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है, सच्चाई की जीत होती है। अंकिता की सुशांत की विदेश में रहने वाली बहन से अच्छी ट्यूनिंग है। सुशांत की मौत के बाद उनके परिवार से मिलने अंकिता दो बार पटना गई। वहाँ उन्होंने सुशांत के परिवार में किसी से सुशांत और अपना चैट शेयर किया जिसमें सुशांत ने रिया को लेकर अपनी परेशानियां बताई थी। इसी के बाद रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में आ गई। वहीं मामले में रिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने मांग की है कि बिहार में दर्ज FIR की जाँच को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, जहाँ पहले से ही इस मामले में जाँच चल रही है। उनका कहना है कि एक मामले की जाँच दो जगहों की पुलिस नहीं कर सकती। रिया के वकील सतीश मनशिंदे ने बताया कि जब पहले से ही जांच मुंबई में चल रही है और इसकी पूरी जानकारी लोगों को है, तो ऐसे में बिहार में इसी मामले में एक ही घटना पर केस दर्ज करना गैरकानूनी है।